नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी TFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, एक्रॉस 10 एकर्स रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट लहेरिया सराय दरभंगा, एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी फॉर सेशन 2021-22। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शन के साथ करिए शादी की तैयारी, प्रिया क्रिएशंस वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज वियर किड्स वियर सूट और सूट पीस। लगातार जारी है सर्दी का सितम, गिर रहा पारा, अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। कड़ाके की ठंड की वजह से दरभंगा में अब कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 जनवरी तक बंद। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, कई डिले, मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी है। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना के प्रसार पर बोले CM नीतीश, मंगलवार को लेंगे कड़े फैसले। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव दरभंगा समाहरणालय में संपन्न, रेणु देवी एक मत से जीत कर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव संपन्न, ललिता झा के सिर सजा ताज, 18 मतों से विजयी। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड से बचाव का टीकाकरण शुरू, बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच लिया कोवैक्सीन का डोज। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए शिविर का हुआ आयोजन। और समाचार विस्तार के साथ, लगातार जारी है सर्दी का सितम, गिर रहा पारा, अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। लगातार जारी है सर्दी का सितम, मौसम विभाग की माने तो अभी जारी रहेगी कनकनी, ठंड का रहेगा असर। पटना समेत बिहार के पूरे इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में कोई फर्क हालांकि नहीं दिखा है। पूरे उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरभंगा समेत मिथिलांचल में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा, न्यूनतम पारे में विशेष परिवर्तन नहीं मिला। औसतन 10 से 12 डिग्री के बीच बना हुआ है न्यूनतम पारा, हालांकि अधिकतम पारे में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई या 17 से 19 डिग्री के बीच चल रहा है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम पारा फारबिसगंज में 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड की वजह से दरभंगा में अब कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 जनवरी तक बंद। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दरभंगा में अब 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 9 जनवरी तक के लिए किए गए बंद, तात्कालिक प्रभाव से आदेश हुआ लागू। वर्तमान में दरभंगा जिले में तापमान में गिरावट एवं अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिले के सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा
8 तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों को 9 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से 9 जनवरी तक लागू रहेगा, लेकिन शिक्षक और कर्मियों को पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, कई डिले, मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी। प्रतिकूल मौसम के कारण दूसरे दिन भी विमान सेवाएं रही प्रभावित। दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचे मुसाफिरों को होना पड़ा निराश। मुंबई और बेंगलुरु रूट पर विमान सेवा रही प्रभावित। प्रतिकूल मौसम के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई और बेंगलुरु रूट पर विमान सेवा प्रभावित रही। मुंबई से दरभंगा आने वाला विमान करीब 25 मिनट लेट से यहां पहुंचा। जहाज दोपहर 1:55 की बजाय दोपहर 2:20 पर यहां लैंड हुआ। दरभंगा से मुंबई जाने वाला विमान 20 मिनट लेट से यहां से उड़ा। जहाज दोपहर 2:30 के बजाय दोपहर 2:50 पर यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट यहां से दोपहर 3:20 की बजाय 3:40 पर उड़ान भर सकी। विमान के वहां लैंडिंग में इस वजह से देरी भी हुई। विदित हो कि जहाज के यहां पहुंचने का समय शाम 5:35 है, लेकिन अब शाम 6:02 पर विमान के मुंबई पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। यात्रियों के लिए रात गुजारना होता है मुश्किल, क्योंकि धुंध के कारण अधिकांश रूट पर विमानों का परिचालन नहीं हो पाता है। केवल 6 विमान आवागमन करने में सफल रहे 2 जनवरी को, जबकि दरभंगा से कुल 16 विमानों के आने जाने का शेड्यूल है। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना के प्रसार पर बोले सीएम नीतीश, मंगलवार को लेंगे कड़े फैसले। बिहार में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। सीएम नीतीश के जनता दरबार में आए 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। इससे पहले एनएमसीएच के 84 डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बड़ी बैठक। लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले, लगाया जा सकता है लॉकडाउन भी। स्वयं नीतीश ने मीडिया से बात के दौरान पटना में किया ऐलान। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए जल्द ही राज्य में कुछ नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी पटना में मीडिया से बात करते हुए दी है। पटना में नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इस पर बात करते हुए नीतीश ने यह सब कुछ कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे जनता दरबार में 6 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं और यह बेहद दुखद बात है। पिछले साल जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ा था, उसी तरीके से बार भी बढ़ रहा है। हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना होगा। सब जगह की खबर लेकर कल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पाबंदियों को लेकर फैसला लिया जाएगा। क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा? इस सवाल के जवाब में सीएम नीतीश ने कहा कि फिलहाल जो पाबंदियां लागू हैं वह 5 जनवरी तक हैं। इसके आगे क्या होना है, इस पर 4 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में विचार किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन या और ज्यादा पाबंदियों पर विचार होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, लगाया जा सकता है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू भी तय, हो सकते हैं कई बड़े फैसले। मंगलवार को सीएम नीतीश करेंगे बड़ी बैठक, उसके बाद हो सकेगा नया ऐलान। इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया। कुछ नई पाबंदियां लगानी तो कल ही, जो भी करना हो कल निर्णय होगा। ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या विचार होगा? आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, क्योंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करिए तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा, और फिर जो सब चीज पर नजर रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाए। इसीलिए ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है सर। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव दरभंगा समाहरणालय में संपन्न। रेणु देवी एक मत से जीत कर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ शांतिपूर्वक संपन्न।
समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिला परिषद के सभी 47 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के नव निर्वाचित सदस्यों को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हेतु घोषणा की गई। अध्यक्ष पद हेतु दो अभ्यर्थियों यथा बहेड़ी प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 से नव निर्वाचित जिला सदस्य रेणु देवी एवं बहादुरपुर प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य सीता देवी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। 5 मिनट का समय नामांकन वापसी के लिए दिया गया। दोनों प्रत्याशियों के द्वारा मैदान में डटे रहने पर मतदान कराया गया। मतदान के उपरांत मतगणना में 4 मत अवैध पाए गए। रेणु देवी को कुल 22 मत प्राप्त हुए जबकि सीता देवी को कुल 21 मत मिले। इस प्रकार रेणु देवी 1 मत से विजयी घोषित की गई एवं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान। साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज वियर किड्स वियर सूट और सूट पेस। अब कजारिया और हिंद वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंद वेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन एकमी घाट सेंट्रल बैंक के निकट लहेरिया सराय में। टाइल्स मार्बल्स ग्रेनाइट बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर चौक से पूरब पुअर होम रोड दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा साड़ी कुर्ती गाउन ज्वेलरी जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता सबसे अच्छा। नेचर लग्जरी एंड पीस एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटलिटी। दालान रिसोर्ट अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड शुक्ला नगर चिकनी सुनकी रोड दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम। गिर रहा पारा अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। कड़ाके की ठंड की वजह से दरभंगा में अब कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 जनवरी तक बंद। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द कई डिले। मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के प्रसार पर बोले सीएम नीतीश मंगलवार को लेंगे कड़े फैसले। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव दरभंगा समाहरणालय में संपन्न। रेणु देवी 1 मत से जीतकर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव संपन्न। ललिता झा के सिर सजा ताज 18 मतों से विजयी। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड से बचाव का टीकाकरण शुरू। बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच लिया कोवैक्सीन का डोज। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए शिविर का हुआ आयोजन। जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव संपन्न। ललिता झा के सिर सजा ताज 18 मतों से हुई विजयी। जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हेतु आमंत्रित किए जाने पर ताड़ी प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 की अरुणा कुमारी एवं बिरौल प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की ललिता झा ने नामांकन किया। 5 मिनट का समय नाम वापसी के लिए दिया गया लेकिन दोनों प्रत्याशियों के मैदान में डटे रहने पर मतदान कराया गया। मतदान के उपरांत मतों की गिनती में 2 मत अवैध पाए गए। ललिता झा को कुल 31 मत प्राप्त हुए जबकि अरुणा कुमारी को 13 मत मिले। इस प्रकार ललिता झा 18 मतों से विजयी हुई। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड से बचाव का टीकाकरण शुरू। बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच लिया कोवैक्सीन का डोज।
15 से 17 वर्ष के बच्चों का आज से शुरू हुआ कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर सैकड़ों बच्चों ने लिया अपना पहला वैक्सीन। अब इन बच्चों को दी जा रही कोवैक्सीन की डोज। साल के शुरुआत में ही 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया कोविड वैक्सीन का 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, और आज 3 जनवरी से इन्हें वैक्सीन की डोज देनी प्रारंभ हो गई। 15 से 17 वर्ष के बच्चों का आज से कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। आप तस्वीर देख रहे हैं डीएमसीएच वैक्सीनेशन सेंटर पर की, जहां आज सैकड़ों बच्चों ने अपना टीका लिया। इन्हें कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार डालेंगे हेडलाइंस। लगातार जारी है सर्दी का सितम, गिर रहा पारा, अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। कड़ाके की ठंड की वजह से दरभंगा में अब कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 जनवरी तक बंद। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, कई डिले, मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना के प्रसार पर बोले सीएम नीतीश, मंगलवार को लेंगे कड़े फैसले। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव दरभंगा समाहरणालय में संपन्न, रेणु देवी एक मत से जीत कर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव संपन्न, ललिता झा के सिर सजा ताज, 18 मतों से विजयी। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड से बचाव का टीकाकरण शुरू, बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच लिया कोवैक्सीन का डोज। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए शिविर का हुआ आयोजन। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2 पालियों में होगी आयोजित। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा 2022 2 पालियों में होगी आयोजित। प्रथम पाली सुबह 9:45 से एवं द्वितीय पाली 2:45 अपराह्न से होगी। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा 2022 दिनांक 3, 4, 5, 6 एवं 8 जनवरी 2022 को 2 पाली में यथा प्रथम पाली सुबह 9:45 से 12:00 तक एवं द्वितीय पाली 2:45 अपराह्न से 5:00 अपराह्न तक दरभंगा जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन संकलित करने हेतु शिविर का किया गया आयोजन। प्रत्येक पंचायत में लगाया गया शिविर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वैसे सुयोग्य लाभुक जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना एवं इंदिरा आवास योजना में छूट गया है तथा जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, वैसे आवास विहीन सुयोग्य लाभुकों के चयन के लिए 1 से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन कर आवेदन संकलित किया गया। यदि अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। लगातार जारी है सर्दी का सितम, गिर रहा पारा, अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। कड़ाके की ठंड की वजह से दरभंगा में अब कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 जनवरी तक बंद। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, कई डिले, मुसाफिरों को हो रही भारी परेशानी। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना के प्रसार पर बोले सीएम नीतीश, मंगलवार को लेंगे कड़े फैसले। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव दरभंगा समाहरणालय में संपन्न, रेणु देवी एक मत से जीत कर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव संपन्न, ललिता झा के सिर सजा ताज, 18 मतों से विजयी। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड से बचाव का टीकाकरण शुरू, बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच लिया कोवैक्सीन का डोज। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए शिविर का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ
हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।